हेलो दोस्तों, मैं राज और राज इंडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा जो एग्जूम का ईबी का चार्जर होता है। मेरे पास एग्जूम का ई रिक्शा का चार्जर रिपेयर होने के लिए आया है, उसी टॉपिक पे। सबसे पहले हम आज इसको देखेंगे इसमें किस पोजिशन में मेरा चार्जर है, और आज आपको पूरी लाइव रिपेयर करके दिखाऊँगा। थोड़ा वीडियो लंबा बन सकता है, लेकिन एकदम से आपको धीरे 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 पॉइंटेड बात को बताऊँगा। अभी मैंने चेक करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास 48 वोल्ट सोर्स होना चाहिए। अगर आप चार्जर रिपेयर करते हो तो कम से कम आपको 5 बैटरी रखना पड़ेगा, तभी आप प्रॉपर चेक कर पाओगे चार्जर को, ठीक है। तो अभी मेरे पास में यहाँ पे देखेंगे तो AMCB है। अभी मेरा यहाँ पे बैटरी वोल्टेज है जो 46.9 है, ओके। तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सबसे पहले बैटरी का सोर्स दे दिए इसको। अब हम इसको सीरीज में SM क्या करेंगे, इसको सीरीज में जो मेन होता है यहाँ पे हम मेन देंगे। अब यहाँ पे मैंने मेन दिया तो यहाँ पे देख सकते हैं मेन का LED ग्लो हो रहा है, ठीक है जी। यहाँ पे मेन का LED ग्लो हो रहा है। यहाँ पे जो चार्जर ऑन लिखा हुआ है, ये चार्जर ऑन का LED ग्लो हो गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 30%, 50%, 80%, 100% जैसे जैसे बैटरी चार्ज होते जाएगी, बैटरी की जितनी वोल्ट तक कट ऑफ है उतना तक चार्ज होगा, वैसे वैसे इसकी जो परसेंटेज है बढ़ती जाएगी। अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो 30% का ब्लिंक कर रहा है। कितने का कर रहा है? 30% का ब्लिंक कर रहा है, लेकिन चार्ज नहीं हो रहा है। कैसे नहीं हो रहा है? तो हमारा जो अभी तो सीरीज में है, सीरीज में तो चार्ज होगा नहीं, पहली बात। दूसरी चीज़, अगर चार्ज होती हमारी बैटरी को चार्ज करती तो जो वोल्टेज यहाँ पर स्टेबल है वो वोल्टेज क्या होता, हमारा वोल्टेज बढ़ता, ओके। तो अभी हमारा वोल्टेज, बैटरी वोल्टेज सेम टू सेम है, अभी सीरीज में है, और ना ही हमारा बैटरी का एम्पियर भी जीरो है। तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे यहाँ पे देखेंगे कि ऐसा क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अभी दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो चार्जर को कोई चेक कर डाला है। चेक करने के लिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आप देखेंगे तो शायद रिले पर भी यहाँ पर शोल्डर किया गया है, SM ट्रांसफार्मर पर भी शोल्डर किया गया है, कैपेसिटर को भी चेक करके देख लिया गया है, ठीक है जी। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा डस्ट है उसको साफ़ करेंगे, कंट्रोल कार्ड को साफ़ करेंगे। इसमें कुछ वोल्टेजों को हम चेक करेंगे, मेजर करेंगे कि ऐसे कहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है। अभी दोस्तों यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले तो मैंने इसको साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद इसमें फिजिकली प्रॉब्लम है, देखते हैं कहीं से ट्रेक वगैरह तो कटा नहीं है, कहीं से ट्रेक वगैरह तो ओपन नहीं है। तो सबसे पहले हम उसको कन्फर्म कर लेते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं तो ऐसे देखना पड़ता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चेक कर लिया, उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, अगर इसका मॉस्फेट ख़राब रहता तो फ्यूज ओपन रहता, तो यहाँ पे समझ लो फ्यूज ओपन रहता, तो हमारा फ्यूज भी ओके है। सबसे पहले हम चेक क्या करते हैं कि मॉस्फेट यहाँ पे दो लगे हुए हैं, दोनों मॉस्फेट का गेट टू सोर्स का रजिस्टेंस चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम दोनों मॉस्फेट का गेट टू सोर्स का रजिस्टेंस चेक करते हैं। यहाँ पर 38 ओम आता आ रहा है, ठीक है जी। यहाँ पे भी हमारा सेम आना चाहिए, यहाँ पे भी सेम आ रहा है, ये हमारा हो गया। अब हमारे पास क्या है दोस्तों, सबसे पहले देखिए जैसे चार्जर होता है, चार्जर में अभी क्या है कि रिले हमारा खटखट खटखट ऑन हो रहा है, परसेंटेज भी आ रहा है। तो यहाँ पे 10 वोल्ट और 12 वोल्ट, यहाँ के दो यहाँ पे जिनर लगते हैं 5 वाट का, यहाँ पे 10 वोल्ट भी आना चाहिए और यहाँ पे 12 वोल्ट के करीब में होना चाहिए। हम इसको भी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बैटरी का सोर्स देंगे, अभी मेन नहीं देंगे। बैटरी का सोर्स देने के बाद में हम पहले कंफर्म कर लेते हैं कि क्या पोजीशन है इसका। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बैटरी का सोर्स यहाँ तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसको कंफर्म कर लिए, ठीक है जी। सेम है, यहाँ पे 10 वोल्ट होना चाहिए, 10 9.6 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 12 के करीब में होना चाहिए, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब इम्पोर्टेंट क्या होता है, जो हमारा बैटरी का सोर्स है ये माइक्रो कंट्रोलर जो यहाँ पे लगा हुआ है, ये माइक्रो कंट्रोलर के 2 नंबर पिन पे जाता है। तो हम सबसे पहले जो बैटरी का सोर्स है हम उसको चेक कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे यहाँ से ग्राउंड ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से ग्राउंड ले लेते हैं, यहीं से ग्राउंड ले लेते हैं, और इसके 2 नंबर पिन पर, रुक जाइए आपको दिखेगा नहीं तो मैं एक बार यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, अब आपको शायद दिख रहा होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं
मैं यहाँ से ग्राउंड ले लेता हूँ और इसके दो नंबर पिन पे वोल्टेज को हम मेजर करेंगे तो 2.4-2.5 के करीब में आना चाहिए। तो यहाँ पे 2.4 है क्योंकि हमारी बैटरी वोल्टेज कम है, नहीं तो 2.5 होती, ठीक है। तो मतलब हमारा बैटरी का वोल्टेज माइक्रो कंट्रोलर तक आ रहा है, इतना तक हमने चेक कर लिया। अब सबसे पहले देखिए क्या होता है, हम अब चेक करेंगे कि जो हमारा 3525 जो ड्राइवर आईसी है जो ड्राइव आउट करता है 11 नंबर पिन और 14 नंबर पिन से, तो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम बिना मेन दिए हुए जो ऑटो कपलर यहाँ पे लगा हुआ है, ओके, यहाँ पे देख सकते हैं जो ऑटो कपलर लगा हुआ है, ऑटो कपलर का एमीटर टू कलेक्टर उसको हम शॉर्ट कर देते हैं तो माइक्रो कंट्रोलर को पता क्या चलेगा कि मेन आ गया, तो फिर माइक्रो कंट्रोलर सीधे 3525 को ड्राइव देगी और उसके बाद हमारा 3525 से ड्राइव निकलेगी। तो हम इसको शॉर्ट कर दिए। अब हम यहाँ पे शॉर्ट करने के बाद अब देखते हैं हमारा एमसीबी ऑन पोजीशन में है, कोई दिक्कत नहीं है। 3525 पे सबसे पहले हम जाएंगे, अब हम 3525 पे जाएंगे, यहाँ से मैं ग्राउंड ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और 3525 पे हम सबसे पहले इसके 16 नंबर पिन पे वोल्टेज चेक करेंगे। 16 नंबर पिन दोस्तों इसका क्या है, रिफ्रेंस वोल्टेज है आईसी का, तो 5 वोल्ट यहाँ पे आना चाहिए, तो 5 वोल्ट आ रहा है। इसकी वीसीसी वोल्टेज हम 12 नंबर पे चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे वोल्टेज भी आ रहा है, ओके। फिर हम क्या चेक करते हैं, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसके 8 नंबर पिन पे हमारा वोल्टेज यहाँ पे होना चाहिए, 8 नंबर पे वोल्टेज भी सही है, 9 पे भी वोल्टेज सही है, 10 11 से ड्राइव निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, तो 11 के यहाँ पे 2.8 वोल्टेज का ड्राइव निकल रहा है, 12 13 14 से भी हमारा 2.8 होनी चाहिए, यहाँ पे 2.9 है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि हमारा जो ड्राइव पोजीशन का एरिया है माइक्रो कंट्रोलर तरफ इधर ठीक है, ओके। अब हम सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि यहाँ तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहाँ तक, हमारे यहाँ तक समझ लीजिए मॉस्फेट तक, तो मॉस्फेट तक भी आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम पहले हमने इसको शॉर्ट किया था ऑटो कपलर को, इसको हम हटा देते हैं। अब उसके बाद हम सीधे फिर सप्लाई देंगे और यहाँ पे दोस्तों हम मेन सप्लाई देंगे। मेन सप्लाई देने के बाद देखते हैं किस पोजीशन में अभी मेरा चार्जर जा रहा है, अभी तो यहाँ पे मेन इंडिकेट कर रहा है, अब यहाँ पे चार्जिंग वाली एलईडी ग्लो नहीं हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम एक बार यहाँ पे फिर से हम एक बार 35 पर, अब चार्जिंग वाली एलईडी ग्लो हो गई, अब ऐसे हमारा हो रहा है। तो हम सबसे पहले अभी हम देखेंगे यहाँ पे, तो रिले हमारा ऑन होके ऑफ हो गया, तो रिले का इस साइड में हमको कितना वोल्टेज आ रहा है, तो हम देखेंगे तो 59 आ रहा है, मतलब कि हमारा चार्जर का वोल्टेज आउट कर रहा है, 59 कर रहा है, ठीक है 65 तक करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रिले अगर ऑन हो जाती तो हमारा क्या होता है, वोल्टेज बढ़ जाता। दूसरी इंपॉर्टेंट क्या होता है, यहाँ पे जैसे क्या होता है 3525 जैसे होता है वीसीसी सप्लाई मिलता है, कब, ये डायोड से मिलता है, जब हमारा चार्जर चार्जिंग होना शुरू हो जाता है तो एक वाइंडिंग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से लेके 1.78-12 लगा होता है और एक आपका डायोड लगा रहता है, समझ लो सुपर फास्ट डायोड लगा रहता है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कैपेसिटर लगा रहता है, तो हमारा वोल्टेज यहाँ से आउट करना चाहिए, तो हमको यहाँ पे वोल्टेज 4.6 मिल रहा है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सबसे पहले मेरा यहाँ पे क्या करेंगे, रिले को हम यहाँ पे बाईपास करेंगे, बाईपास करने के बाद देखेंगे कि यहाँ पे वोल्टेज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ओके। अभी दोस्तों मैंने यहाँ पे टेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक पतला सा वायर लिया है जो रिले को मैंने बाईपास कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम कंफर्म कर लेते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बैटरी का सोर्स दे देता हूँ, फिर से इसको सीरीज में सप्लाई देना है। अब देखते हैं किस पोजीशन में हमारा चार्जर है, अब यहाँ पे देखेंगे तो हमारा यहाँ पे मेन का इंडिकेट कर रहा है, कुछ देर के बाद में यहाँ पे चार्जिंग वाला इंडिकेट करेगा, चार्जिंग वाला इंडिकेट कर दिया और चार्जर भी हमारा ओके हो गया, ऐसा लग रहा है, मैंने ओके मतलब कि बाईपास करने से लगभग में ऐसा लग रहा है कि चालू हो गया। अब हम कहाँ का वोल्टेज चेक करने वाले थे, यहाँ 78.05 का वोल्टेज चेक करने वाले थे, ठीक है, सॉरी 78.012 का, हमारा चार्जर भी अब यहाँ पे देखेंगे वोल्टेज, अभी दोस्तों यहाँ पे देखेंगे जैसे मैंने वोल्टेज चेक करने के आपको दिखा रहा था, लेकिन हमारा प्रॉप ग्राउंड के साथ टच हो गया तो ये वाली ट्रेक हमारी कट गई, कौन सी ट्रेक, यहाँ कैपेसिटर लगी है उसके बाद वाली ट्रेक कट गई, तो यहाँ पे देखेंगे ट्रेक कटी, उसके बाद मैंने देखा तो यहाँ पे जो डायोड आपको बताया था कि UF4004 लगा हुआ है, ठीक है, ये डायोड को मैंने चेक कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये डायोड हमारा शॉर्ट बता रहा है, यहाँ पे हमारा ये डायोड शॉर्ट बता रहा है, आप देख सकते हैं, ओके।
तो हम यहाँ पे ये डायोड शॉर्ट बता रहे हैं। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, फिलहाल मेरे पास में अल्ट्रा फास्ट में EVF 4007 है, 4004 नहीं है। तो हम इस डायोड को यहाँ पे लगाएंगे, काम तो करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हमारा इस वाइंडिंग से हमारा सप्लाई आउट होगा और ये हमारा डायोड लगा। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ कर देता हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ चेक करने के लिए फ़िलहाल। और एक ट्रैक को यहाँ से यहाँ जोड़ देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम नीचे से लगा देंगे और यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं। अभी दोस्तों मैंने यहाँ पे डायोड लगा दिया, ट्रैक कट गया तो उसको मैंने जोड़ दिया, ये मैंने बाईपास किया था, इसको निकाल देते हैं। हो सकता है डायोड पहले से लीकेज हो, शॉर्ट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार चेक करते हैं किस पोजीशन में चार्जर है। अभी फ़िलहाल तो मैं सीरीज में ही सप्लाई दूंगा। अभी यहाँ पे लगाते साथ ही हमारा चार्जर तुरंत ऑन हो जा रहा है, सीरीज बल्ब ग्लो हो गया। हम डायरेक्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि हमारा चार्जर ओके हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसमें दिक्कत क्या थी, डायोड की दिक्कत थी। ओके, तो आपको मैंने यहाँ पे बताया, आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे चार्जिंग होना शुरू हो गया और लास्ट लास्ट में आ गया, क्योंकि हमारी बैटरी यहाँ पे देख सकते हैं चार्जर हमारा 65 वोल्ट तक जाएगा। ओके,